10 दिन में तो यह शहर खत्म हो जाएगा। लोग मेरे हाथों में, मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। उनकी चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं पापा, तो फिर मेरे क्रिश होने का क्या मतलब है? सबके बीच रहकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। प्रिया भी ठीक है क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। मेरे सारे कॉलिग्स पर इस वायरस का असर हो चुका है, मुझे छोड़ के। मतलब ये वायरस हम पर असर नहीं कर पा रहा है। शायद हमारे खून में ऐसा कुछ है जो इस वायरस से लड़ रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे शरीर के अंदर जाकर भी इस वायरस ने असर नहीं किया तो मेरे खून से इस वायरस का एंटीडोट बन सकता है। नहीं पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कृष्णा, इस वायरस का इलाज ढूंढने का यही एक तरीका है। तो फिर इसे मेरे खून में इंजेक्ट कीजिए। नहीं, इसमें बहुत रिस्क है और इसके लिए एक बार मैं अपने बेटे को खतरे में डाल सकता हूं, लेकिन लोगों की उम्मीद को नहीं। इस वक्त लोगों की उम्मीद सिर्फ आप हैं पापा, कृष्ण ही। आप मुझ पर टेस्ट कीजिए। इसका मतलब तुम्हारे खून से एंटीडोट बन सकता है। अब हम लोगों को बचा सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा।